अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सबनम किचन रूटीन पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में ये बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, इससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ बंगाली डिश चिकन रजाला। इसके लिए मैंने 15 से 20 दाने काजू और 1 चम्मच खसखस ली है। इसे मैंने 10 मिनट के लिए फूलने रख दी थी। अब इसे एक बारीक पेस्ट तैयार कर लें। अब मैं ले रही हूँ करीब 1 kg चिकन। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 छोटे चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 छोटे चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूंगी करीब 1 कप दही जो 150 ग्राम है। और मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच वाइट पेपर। अगर आपके पास वाइट पेपर ना हो तो ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसमें ले रही हूँ 2 चम्मच घी। घी की जगह पे आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से चिकन में मिक्स करें। इन मसालों को बहुत अच्छे से चिकन पे कोट करें। अब इसे साइड पे रख दें। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, मैंने इसमें करीब 2 चम्मच घी ली है। आप घी की जगह पे कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 छोटी इलायची और 4 से 5 लौंग और 1 तेज़पत्ता। इन सबको थोड़ा सॉटे कर लें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने पीस कर एक पेस्ट तैयार कर ली है। अब इस पेस्ट को इसमें तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसका पानी अच्छे से सूख जाए। मैंने गैस फ्लेम मीडियम ही रखी है। ये मैंने मिर्च बाद में ऐड की है, मैं उस टाइम पे भूल चुकी थी और किसी कारण वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। आप इस मिर्च को जब गरम मसाले तेल में ऐड करते हैं उस टाइम पे आप डाल सकते हैं। प्याज के पानी बहुत अच्छे से सूख गए हैं और मैं इसमें चिकन मैरिनेट किए हुए ऐड कर रही हूँ। सारे मसाले जो बचे हुए अच्छे से डाल दें। अब इसे चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे भूनना है। अब इसे कवर करके करीब 5 से 6 मिनट के लिए पकने दें। मिनट के बाद देखिए चिकन से बहुत सारे पानी छोड़ चुके हैं। ऐसे चलाते जाएं बीच बीच में। अब मैं इसमें ऐड करूंगी करीब 1.5 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अब इसे मिक्स करते हुए चलाते जाएं और इसे कवर करके करीब 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने दें। दस मिनट के बाद देखिए कितने सारे पानी और छोड़ चुके हैं चिकन से। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इस पॉइंट पे वो जो काजू और खसखस के जो पेस्ट तैयार किए थे वो। अब इसे लगातार भूनते जाएं मीडियम टू हाई फ्लेम पे और बीच बीच में चलाते जाएं ताकि जो उसके मसाले हैं वो तले में लगे ना। और इसे तब तक भूनना है जब तक ये पानी अच्छे से सूख ना जाए। और इसी तरह भूनते हुए चिकन भी बहुत अच्छे से गल जाएगी। देखिए पानी बिल्कुल सूख चुकी है, तेल भी सेपरेट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे मैं करीब 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इसका ग्रेवी थोड़ा अच्छे से बन जाए। अब इसे मीडियम टू लो के बीच कवर करके 5 मिनट के लिए पकने दें। अब मैं गैस फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। देखिए तेल कितने अच्छे से सेपरेट हो चुकी है। अब इसके लिए तड़का तैयार करते हैं जिसके लिए मैंने करीब 1 चम्मच घी ली है और 1 लाल मिर्च जिसे मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं और कुछ प्याज के स्लाइसेस लिए हूँ। इसे बस 1 मिनट के लिए इसमें भून लें, ज़्यादा नहीं पकानी है। अब इस तड़के को चिकन के ऊपर तड़का लगा दें।
ये रेसिपी बहुत मज़े की लगती है। आप इसे राइस या रोटी या नान किसी के भी साथ खा सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।